हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल में आप लोग का फिर से स्वागत है और मेरा नाम है रहमुद्दीन अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेलर अंसारी। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में मैंने जो जो फैसिलिटी बताई थी कि उसमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, तो बहुत सारे लड़कों का कॉमेंट आया था कि सर ये आप जो बता रहे हैं उसमें से कुछ फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो मैं बोला कि मैं खुद ही क्यों बताऊँ, मैं आप लोगों को लाइव प्रूव करके दिखा देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड का जो नोटिफिकेशन है उसी में पूरा जो मेंशन किया हुआ है वही मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूँ कि इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या फैसिलिटी मिलती है और क्या क्या सुविधाएं इंडियन कोस्ट गार्ड में देखने को मिलती है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को खुद बता देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या मेरा यूट्यूब चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें, क्योंकि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड और मर्चेंट नेवी से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ हमेशा लाते रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करता हूँ। तो देखिए, ये लिखा हुआ है आपके सामने, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर ये गवर्नमेंट जॉब है, तो जी एकदम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये गवर्नमेंट जॉब है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, एस नाविक जनरल ड्यूटी 10+2 इंटर 2nd February 2020 बैच अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ऑनलाइन फ्रॉम 26 January to 2 February। मैंने ये अप्लीकेशन फॉर्म भरा जा चुका है, इसी बार जो फॉर्म भरा हुआ है जो मैंने आप लोगों को करके दिखाया था कि कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो चलिए, इसमें क्या क्या आपको लेके जाना है मैं पूरा टोटली आज ए टू जेड बता देना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या सुविधा मिलती है और क्या क्या आपको लेकर जाना है और क्या क्या सब ए टू जेड में बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, आपको एकदम देखना है। तो इसको थोड़ा मैं जूम इन कर ले रहा हूँ। अप्लीकेशन आर विल बी इन्वेटेड फ्रॉम द मेल इंडियन नेशनल प्रोसेसिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द एज फॉर प्रिस्क्राइब बिलो फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट नाविक जनरल ड्यूटी इन द इंडियन कोस्ट गार्ड आर्म फोर्स्ट ऑन द यूनियन। ये क्या है? तो एक आर्म फोर्स्ट है, आर्म फोर्स्ट की एक शाखा है। जैसे इंडियन नेवी होता है, इंडियन एयरफोर्स होता है, इंडियन आर्मी होता है, उसी प्रकार ये एक इंडियन कोस्ट गार्ड है, यानी आर्म फोर्स की एक शाखा है। उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन था। अब चलिए, मैं इसके बारे में कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है, लिख रहा है 10+2 पास विद द मैथ्स एंड फिजिक्स फ्रॉम द एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज बाई द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट विद द मिनिमम 50% एग्रीगेट मार्क। आपको दिखाई दे रहा है कि आप 10+2 किसी भी बोर्ड से पास हो, वो गवर्नमेंट बोर्ड हो या स्टेट बोर्ड हो या सेंट्रल बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, ठीक है, जैसे बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड से या CBSE बोर्ड से, आप किसी भी बोर्ड से 10+2 पास होने चाहिए और आपका मैथ होना चाहिए और फिजिक्स होना चाहिए। आपका मैथ फिजिक्स एकदम होना ही चाहिए, उसके साथ साथ मिनिमम कम से कम आपका 50% होना चाहिए। अब बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मेरा मैथ और फिजिक्स में 50% है, चलेगा? जी नहीं, आपका पूरा एग्रीगेट मार्क्स यानी पूरा 10+2 में आपका इंटरमीडिएट में 50% होना चाहिए। लेकिन अगर आप 5% रिलेक्शंस मिनिमम कट ऑफ बिलो द ST और SC कैंडिडेट मेंशन किया हुआ है, आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट पर्सनल फॉर द नेशनल लेवल हैव द ऑब्टेंड 1st, 2nd, and 3rd पोजीशन ऑफ द फील्ड्स स्पोर्ट इवेंट ओपन नेशनल चैंपियनशिप इंटर स्टेट नेशनल चैंपियनशिप। कहने का मतलब ये है कि अगर आप ST या SC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या आपके पास स्पोर्ट कोटा है या अगर आप फील्ड स्पोर्ट में ओपन नेशनल चैंपियनशिप में या स्टेट लेवल चैंपियनशिप में आपको कोई प्रकार का अवार्ड मिला है या आपने पार्टिसिपेट किया है, तब भी आपको फॉर्म फिलअप करने में 50% यानी आपको 5% की रिलैक्सेस मिलेगी, यानी आपका 45 भी रहेगा। अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हैं या आप या स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत आते हैं तो आपकी 5% कम भी रहेगी इंटरमीडिएट में, यानी 45% रहेगी, तब भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बाद, हमारा नेक्स्ट आता है एज कैटेगरी। इस पर बहुत सारे लड़के मुझे बार बार कमेंट करते हैं, फिर भी मैं बता देना चाहता हूँ, मिनिमम 80 ईयर्स एंड मैक्सिमम 22 ईयर्स। अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं तो कम से कम आपकी उम्र
18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। एज वी टी वी ने बोल दिया आपको 1 अगस्त 1998 टू 31 जुलाई 2002 बर्थ डिवाइड इंक्लूसिव, यानी आपका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो 1 अगस्त 1998 से ले के 31 जुलाई 2002 के बीच ही होना चाहिए, उससे ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए इसमें क्या बोल रहा है। अपर एज रिलेशंस 5 ईयर्स STSC एंड 3 ईयर्स फॉर OBC कैंडिडेट, साफ मेंशन किया हुआ है। ध्यान से आप देखिए, इस पर बहुत सारे लड़के बार बार कमेंट करते हैं, फिर भी मैं उनको बता देना चाहता हूँ। ध्यान से आप देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखने की बात है। फिर से आप देखिए, जो ST और SC से बिलोंग करते हैं उनको 5 साल की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी, यानी वो उनकी एज 22 और 5 27, यानी वो 27 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। और जो OBC कैंडिडेट हैं वो 3 साल तक और एक्स्ट्रा फॉर्म भर सकते हैं, यानी उनकी एज 25 साल तक एक्सेप्ट की जाएगी। ठीक है, तो मैंने ये भी आपको क्लियर कर दिया 3 नंबर। अब पे स्केल पर आ जाते हैं, बेसिक सैलरी पर। इस पर तो मुझे लड़के इतना कमेंट करते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर भी लाइव चैटिंग आता हूँ तब भी, तो मैंने सोचा इस पर प्रॉपर वीडियो ही बना दिया जाए। तो पे पर्क एंड अदर बेनिफिट देखिए ध्यान से। ऑन ज्वाइनिंग इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी प्लेस्ड बेसिक पे 21,700 पे लेवल 3, यानी आपकी जो बेसिक सैलरी शुरू होगी वो आपकी 21,700 रुपये से शुरू होने वाली है। यानी जब आप इंडियन कोस्ट गार्ड ज्वाइन करेंगे तो आपकी सैलरी शुरू हो जाएगी 21,700 रुपये से। ठीक, प्लस ड्रेंसेस अलाउंस एंड अदर अलाउंस पेस्ट नेचर ड्यूटी प्लेस पोस्टिंग पर प्रिवेलिंग रेगुलेशन। कहने का मतलब है क्या कि आपको अलाउंस भी मिलेगी, यानी आपका ड्यूटी कहाँ लगा हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपकी हाई लेवल सिक्योरिटी एरिया में ड्यूटी लगा हुआ है तो आपको अलाउंस ज़्यादा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आपकी ड्यूटी मुंबई कोस्टल एरिया में लगी हुई है तो वह हाई लेवल सिक्योरिटी एरिया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे आतंकवादियों का आने का खतरा रहता है। तो वहाँ पर जो आपकी अलाउंस मिलती है, यानी जो 21,700 रुपये को मैं छोड़ के बोल रहा हूँ, ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद जो आपको बेसिक अलाउंस मिलेगी वो एक्स्ट्रा मिलेगी, और वो क्या मिलेगी कि एक मंथ की अगर आपकी, मान लीजिए कि अगर 5,000 रुपये बेसिक अलाउंस मिलता है तो ये आपकी सैलरी में ऐड नहीं होगा, ये आपको अलग से मिलेगा। यानी 27,000 और 5,000 21,000 और 5,000 26,000 रुपये। बात समझ में आ रही है। अगर आपकी ड्यूटी नॉर्मल एरिया गुजरात में लग जाती है कोस्टल एरिया में, तो वहाँ पर थोड़ा बेसिक अलाउंस कम मिलता है। मतलब समझिए कि जहाँ ख़तरा ज़्यादा होता है, जहाँ आपकी ड्यूटी लगने पर वहाँ पर हाई सिक्योरिटी लेवल एरिया पड़ता है, वहाँ पर आपको बेसिक अलाउंस ज़्यादा मिलती है। तो नेचर ऑफ ड्यूटी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर द प्रिवेलिंग रेगुलेशन, उसके अलावा आपको बेसिक अलाउंस मिलता है। वैकेंसी की बात कर लें तो इंडियन कोस्ट गार्ड की जो वैकेंसी आई है, टोटल आपकी आ गई है 260 वैकेंसी। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 260 वैकेंसी आई हुई है, 260 वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है। और इसके साथ देखिए, इसमें अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल की जो वैकेंसी आई हुई है वो 113 है, EWS की वैकेंसी 26 है, OBC की वैकेंसी 75 है, ST की वैकेंसी 13 है, SC की वैकेंसी 43 है, और टोटल वैकेंसी आपकी हो गई 260। यानी इस दफ़ा इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिलीज़ कर दिया है कि हम 260 कैंडिडेट को ही सेलेक्ट करेंगे। नोट में देखिए क्या लिख रहा है, दिस वैकेंसी आर टेंटेटिव एंड मे बी चेंज डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द ट्रेनिंग स्लॉट। कहने का मतलब हुआ है कि ये वैकेंसी वो टेंटेटिव टाइम पर चेंज भी कर सकती है, अगर वैकेंसी बढ़ भी सकती है और वैकेंसी घट भी सकती है। नोट में लिख दिया है प्रमोशन एंड प्रीक्विजिट्स। ये भी लड़के मुझे बहुत बार कमेंट करते हैं 6 नंबर में कि सर ये प्रमोशन कैसे होता है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ प्रमोशन कैसे होता है। इंडियन कोस्ट गार्ड में अगर आप ज्वाइन हो जाते हैं GD ब्रांच में, तो आपको कोई एग्ज़ाम देना नहीं पड़ेगा, आप
ऑटोमेटिक आपके परफॉर्म के ऊपर प्रमोशन किया जाता है। तो कैसे, देखिए, प्रमोशन प्रोस्पेक्ट एग्जिट अप टू द रैंक ऑफ प्रधानाधिकारी, यानी जीडी ब्रांच से जब आप लाते हैं तो आपकी हाईएस्ट जो रैंक होती है वो प्रधानाधिकारी पर पहुंच जाती है। और उस समय देखिए, विथ पे स्केल 47,600 पे लेवल 8, यानी समझिए कि ये आठवां लेवल है। वहाँ पर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जो मैंने नीचे पे स्केल बोला था, वो देखिए यहाँ पर ये 3 लेवल पर था, और जब आपका प्रमोशन हो जाएगा तो अब 8 लेवल, यानी लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 7, लेवल 8, यानी हाईएस्ट जब आप लेवल 7 पर आपका प्रमोशन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपके परफॉर्मेंस पर, तो आपकी सैलरी बनने लगती है 47,600। अब देखिए उसमें भी क्या होता है, विथ डेरनेस अलाउंस प्रमोशन ऑफ द ऑफिसर कार्ड इन सब्जेक्ट टू स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। देखिए, सुटेबिलिटी स्टेबिलिटी पर दे दिया आपको, डायरेक्टली बोल दिया है कि आपका जो परफॉर्मेंस है उसी के हिसाब से आपका क्या कर दिया जाएगा, प्रमोशन किया दिया जाएगा, इसमें आपकी कोई रिटन एग्ज़ाम नहीं होती है। अब पेज नंबर दूसरे पर हम आ जाते हैं, अदर बेनिफिट क्या मिलता है। यही है कि इंडियन कोस्ट गार्ड में क्या क्या फैसिलिटी आपको मिलती है। दोस्तों, फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैं आज संडे और संडे सैटरडे को मैं 7 PM to 8 PM लाइव आता हूं, रिलेटेड टू द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मर्चेंट नेवी इंक्वायरीज। तो प्लीज़ वॉच क्रिएटिंग माई द यूट्यूब लाइव चैनल एंड एनी इंक्वायरी ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड मर्चेंट नेवी, प्लीज़ आस्क मी क्वेश्चन। तो चलिए बेनिफिट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट नंबर बेनिफिट बोल रहा है, फ्री राशन एंड क्लोथिंग एज पर द एग्जैक्टिंग रूल्स, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग डिपेंड पेरेंट्स। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको फ्री राशन यानी आपका कैंटरिंग की भी फैसिलिटी है, आपको क्लोथ भी मिलेगी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट भी होगा आपका और आपके फैमिली में जितने भी पेरेंट आपके माता पिता हैं। दो नंबर में गवर्नमेंट एकोमोडेशन पर सेल्फ फैमिली ऑन द नॉमिनियल लाइसेंस फी, कह रहा है कि आपके फैमिली को रहने के लिए क्वार्टर भी दिया जाएगा, बट ये एकोमोडेशन रहने के लिए नहीं दिया जाएगा, एकोमोडेशन का आपको खर्चा दिया जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारे लड़के यहाँ पर भी मतलब निकालते हैं कि सर इसमें तो लिखा हुआ है कि हमको फैमिली के लिए क्वार्टर दिया जाएगा, तो क्वार्टर दिया जाएगा लेकिन क्वार्टर आपकी फैमिली को रहने के लिए दिया जाएगा, लेकिन आप अपने फैमिली के साथ रह नहीं सकते। आप छुट्टी में आएंगे तो आप अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं, अगर आप क्वार्टर लेना नहीं चाहते हैं तो उसके बदले आपको इंडियन कोस्ट गार्ड पैसा दे देगी। नेक्स्ट थ्री नंबर बेनिफिट पर हम लोग आते हैं, तो बोल रहा है छुट्टी हॉलीडे का, 45 days ऑन लेबल, 8 days कैजुअल लीव एवरी ईयर विद द लेबल, ट्रेन कॉन्सेशन LTC फॉर द सेल्फ फैमिली एंड द डिपेंड पेरेंट एज पर द गवर्नमेंट रूल। अब यहाँ पर देखिए छुट्टी के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ कि एक साल में आपकी 45 दिन छुट्टी मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। और आपको अगर कैजुअल छुट्टी चाहिए, कैजुअल, तो आपको वो मिलेगी 8 days के लिए। यानी कैजुअल छुट्टी का अर्थ हुआ कि कैजुअल्टी का अर्थ हुआ कि आपको अगर बीमार हैं आप, या आपके घर में कोई बीमार है और आपको इमिडिएटली जाना है, तो इमरजेंसी आपकी जो छुट्टी मिलेगी वो 8 दिनों के लिए मिलने वाली है, ठीक है। और इसमें संडे इंक्लूड नहीं होता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड द ग्रेटुटी ऑफ द रिटायरमेंट, ये देखिए क्या बोल रहे हैं, ध्यान से ये हम लोग को पढ़ना है। कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम एंड द ग्रेटुटी ऑन द रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन मिलने वाली है, यानी पेंशन सिस्टम इसमें है। फिर से देख लीजिए दोस्तों, बार बार आप मुझसे पूछते हैं पेंशन मिलता है कि नहीं, तो ऑफकोर्स मिलता है। कैंटीन एंड द वेरियस लोन फैसिलिटी, ये तो बहुत ही इसमें बहुत अच्छा है, इसमें आपको कैंटीन की भी फैसिलिटी मिलने वाली है और आपको लोन की भी फैसिलिटी मिलने वाली है। वो भी कौन सी लोन, तो वेरियस टाइप की लोन, कोई भी लोन आप इशू करा सकते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, कोई भी लोन आप इशू करा सकते हैं।
ECHS मेडिकल फैसिलिटी आफ्टर रिटायरमेंट, ये भी बहुत अच्छी है। आप अगर रिटायरमेंट कर जाते हैं, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको फैसिलिटी मेडिकल की मिलती रहेगी, यानी आपका इलाज मुफ्त में होने वाला है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे इसके लिए, तो अप्लीकेशन विल बी एक्सेप्ट ऑनलाइन फ्रॉम द 26 जनवरी टू 24 फरवरी, जो ख़त्म हो चुका है। एंड आर टू लॉग इन, ध्यान से देखना आपको क्या बोल रहा है। एंड आर टू लॉग इन, नो टेक्स्ट फ्रॉम द एप्लीकेशन, रुकिए थोड़ा इसको हम हटा लें। आर टू बी लॉग इन www.joinindiancoastguard.gov.opportunity बटन एंड द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑनलाइन द अप्लीकेशन। ये अब जब फॉर्म आएगा तब मैं आपको फिलअप करके दिखा चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द नेम ऑफ कैंडिडेट एंड फादर एंड मदर नेम एंड द डेट ऑफ बर्थ शुड बी मेंशन एज पर 10th क्लास सर्टिफिकेट, यानी आपको अपने फादर का नाम, मदर का नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, जो आपकी 10th की मार्कशीट है उसी से आपको मेंशन करना है। 10th की मार्कशीट में जो है वही वैलिड होगा, अगर आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड है या पासपोर्ट है उससे वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान से केयर से भरें। इंडिकेट एक्सेप्ट परसेंटेज 10+2 क्लास अप टू द 2 decimal एंड दिस नॉट टू बी राउंडेड ऑफ, ये थोड़ा ध्यान से देखने की है। इंडिकेट एक्सेप्ट परसेंटेज ऑफ 10+2 क्लास अप टू 2 decimal एंड दिस इज नॉट टू बी राउंड ऑफ, कहने का मतलब ये है कि आपकी जो फॉर्म भराएगी उसका जो भी परसेंटेज हो वो 10+2 का परसेंट में ही आप भर सकते हैं। 10+2 में जितनी परसेंट है वही एक्सेप्ट किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पर हम लोग आज चलते हैं। तो नेक्स्ट पर देखते हैं क्या बता रहा है। तो नेक्स्ट पर हम लोग आ रहे हैं, तो नेक्स्ट पर क्या बता रहा है, फिलिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइक पर्सनल ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर ऑफ द कैंडिडेट आर द कंपल्सरी, यानी आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको फिलअप करना ही करना है, वो भी आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगा आपको मेल के थ्रू या SMS के थ्रू आएगा। This date, time and the center of the written examination and other information will be informed through the Coast Guard recruitment website joinindiancoastguard.gov.in, यानी इस पर आपको notification मिलता रहेगा। चार नंबर पर आते हैं, the application provide choice of the only one center for the examination, candidate is to center the list mentioned against each state which the being belongs, कहने का मतलब है कि आप अपना सेंटर एक ही टाइम चूज कर सकते हैं, वो भी इंडियन कोस्ट गार्ड, जैसे ही अपना स्टेट डालिएगा स्टेट वाइज वो सेंटर ले लेगा। टू फिल अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन कैंडिडेट टू बी लॉग इन द वेबसाइट www.joinindiancoastguard.gov.in द अपॉर्चुनिटी बटन एंड प्रोसेस इज गिवन द बिलो। अब देखिए आपको क्या क्या करना है। सेलेक्ट द एडवांस्ड ऑफ रिक्रूटमेंट नाविक GD, ये फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बताया है, तो इस पर हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है, क्योंकि फॉर्म फिलअप करने के प्रोसेस में हम लोग को उतना नहीं करना है क्योंकि वो हो गया है। अब देखिए इस पर थोड़ा बढ़ लेते हैं। कैंडिडेट शैल बी इंश्योर दैट द डाटा इज द चेक्ड बिफोर क्लिकिंग सबमिट बटन वेरीफिकेशन 10th सर्टिफिकेट एंड दी फादर नेम डेट ऑफ बर्थ द परसेंटेज ऑफ द 10+2 मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट बिलू द पिक्चर्स। बोल रहा है कि अपना जब लास्ट बटन पर आप सबमिट करेंगे तो आपको मेंशन करने के लिए बोलेगा कि 10 में आपका डेट ऑफ बर्थ कितना है, आपके फादर मदर का नेम क्या है और आपका नाम क्या है, और 10+2 में आपकी परसेंटेज कितनी है। ये तो ये हमें नहीं बताऊँगा, ये इस थोड़ा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू बी 3 copies ऑफ द सिस्टम जनरेट ई एडमिट कार्ड, लिविंग अलाउटमेंट, रोल नंबर, लेटेस्ट आइडेंटिकल कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद द ब्लू बैकग्राउंड नॉट ओल्डर देन द 1 month। आप 1 month से ही पुराना लेके जाएंगे तभी चल जाएगा, लेकिन जो ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए वही फोटो होना चाहिए, यानी पीछे का ब्लू होना चाहिए।
पेस्ट एंड साइन बाय द बॉटम एप्लीकेशन अगेन द प्रोवाइडर सिग्नेचर। आपका एडमिट कार्ड निकल कर आएगा तो उसके ऊपर माने फ़ोटो के ऊपर नहीं, फ़ोटो से थोड़ा और ऊपर फ़ोटो चिपकाना है और वहाँ पर अपना साइन करना है। कैंडिडेट शैल बी बिलोंग द फोटो कॉपी ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट अटैच विद द, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है देखिए, 10 पास सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट, क्लास 2 पास सर्टिफिकेट एंड द मार्कशीट शोइंग द सब्जेक्ट, का सर्टिफिकेट वाट एवर रिक्वायर्ड एंड द डोमेसाइल सर्टिफिकेट, दे आर द रिप्रेजेंटेबल स्टेट सब मिनिस्टर ऑफ एग्जामिनेशन, सेंटर ऑफ द डेट ऑफ एग्जामिनेशन। एनी कैंडिडेट, देखिए क्या बोल रहा है, एनी कैंडिडेट वी डज नॉट कैरी ऑल द दिस डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइम ऑफ रिक्रूटमेंट शैल नॉट बी परमिट अपेयर द रिटन एग्जामिनेशन। आपको ये लेकर नहीं जाइएगा तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो क्या क्या लेके जानी है, 3 कॉपी ई एडमिट कार्ड लेके जानी है और ब्लू बैकग्राउंड का फोटो उस पर चिपका के लेके जाना है। उसके बाद 10 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। उसके बाद 12 का सर्टिफिकेट और मार्कशीट लेकर जाना है। उसके बाद आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी वो निवास कहते हैं वो लेकर जाना है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी स्टेट लेवल का नहीं होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल का होना चाहिए। और उसके बाद आपको क्या लेकर जाना है, तो उसके बाद आपको डोमेसाइल, उसके बाद आपको ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाना है, एसटी से हैं तो एससी और एसटी से हैं तो एसटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना पड़ता है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है, और उसके साथ साथ आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी लेकर जाना होता है और 10 कॉपी 10 पासपोर्ट साइज का फोटो भी लेकर जाना पड़ता है। फिलिंग द मल्टीपाई एप्लीकेशन रिजल्ट इन कैंसिलेशन ऑल द एप्लीकेशन, फिलिंग ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन विल बी रिजल्ट इज कैंसिलेशन ऑफ द ऑल एप्लीकेशन। बोल रहा है कि दोबारा आप फिर से फिलअप ना करें इसे, अगर फिलअप करना है तो अपना ईमेल आईडी और पास ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर चेंज करके करें। अब बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ इसका सेंटर पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक आपको सेलेक्ट कर देगा। नॉर्थ जोन में अगर आप पंजाब से, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, यूनियन टेरिटरीज, छत्तीसगढ़, जम्मू एंड कश्मीर से हैं तो आपका सेंटर जालंधर पड़ने वाला है। अगर उत्तराखंड से हैं तो देहरादून पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अब ये मत समझिए कि आप बिहार से रहते हैं और बिहार में आपका डोमेसाइल निवास बनवा लिए और दिल्ली में रहते हैं तो सोचे कि मैं दिल्ली में ही भर देता हूँ, दिल्ली में जाके एग्जाम दे दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिहार से हैं तो आपका उसका सेंटर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। राजस्थान से हैं तो जोधपुर जाना पड़ेगा, दिल्ली से हैं, दिल्ली एनसीआर से हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव हो गया, मेरठ हो गया, रोहतास, सोनीपत, रेवड़, पानीपत हो गया, पलवा, भवानी हो गया, महेंद्रगढ़ हो गया, तो उसका नोएडा पड़ने वाला है। यूपी में अगर आप मेरठ से बिलोंग करते हैं, गाजियाबाद से, गौतम बुद्ध नगर से, बुलंदशहर से, हापुर से और या भागवत पीठ से बिलोंग करते हैं या अलवर से बिलोंग करते हैं तो आपका नोएडा जाने वाला है। उसके बाद अगर आप उत्तर प्रदेश में बिलोंग करते हैं अदर देन द एनसीआर डिस्ट्रिक्ट से तो आपकी वाराणसी सेंटर जाने वाली है। उसके बाद अगर मिजोरम से, नागालैंड, त्रिपुर, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, अगर ये आपका स्टेट है तो आपकी गुवाहाटी सेंटर जाने वाली है, वो ऑटोमेटिक आपकी जाएगी ही जाएगी। उड़ीसा से बिलोंग करते हैं तो पारादीप जाएगी और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो हल्दिया जाएगी और ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग के लिए, बिहार और झारखंड से बिलोंग करते हैं तो कोलकाता रीजनल हेडक्वार्टर बीजेएसएसनेटिक्स पार्स नियर द सराची बिल्डिंग फ्रंट ऑफ इको पार्क गेट नंबर 2 जाने वाली है। अगर आप साउथ तमिलनाडु बिलोंग करते हैं, कन्याकुमारी, त्रिविलम, अगर रामनाथ, नागापुरम, कोरूर, दिगलू, तेजपुर, तिरुवनंतपुरम तो आपकी टूटीकोरन कोई जगह है वहाँ पर जाने वाली है। अगर आप चेन्नई से ये जाने वाली है भोपाल, अगर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से तो भोपाल जाएगी, केरल और लक्षद्वीप से तो कोची जाएगी, महाराष्ट्र, दमन, दीव, दादर नगर हवेली से हैं तो मुंबई जाने वाली है, अगर कर्नाटका एंड गोवा से हैं तो न्यू मंगलोर, गुजरात से हैं तो गांधीनगर जाएगी और एंड एंड आइसलैंड से हैं तो पोर्ट ब्लेयर जाने वाली है। नोट देखिए क्या बोल रहा है ध्यान से, द कैंडिडेट आर द चूज ओनली वन चॉइस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द लिस्ट मेंशन अगेंस्ट स्टेट टू द विच थे द बिलोंग ऑफ द डोमेसाइल। ये आपको चूज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जो स्टेट डालिएगा उस वाइज ऑटोमेटिक सेंटर सेलेक्ट हो जाएगा। द परमानेंट एड्रेस एंड द डोमेसाइल ऑफ कॉर्डिनेट शुड बी सेम प्लेस, द कोस्ट गार्ड रिजर्व टू द राइट टू कैंसल रिकॉन्डक्ट द एग्जामिनेशन पार्टिकुलर सेंटर चेंज द सेंटर कॉर्डिनेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द अदर रीजन। ये बोल रहा है कि हम अपना सेंटर चेंज भी कर सकते हैं, तो वैसे चेंज होता नहीं है। सबसे मेन टॉपिक सेलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है ये देखिए,
द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी सॉर्ट आउट सेंटर वाइज, कैसे होता है सेंटर वाइज. द कैंडिडेट टेस्ट इज द प्लान ड्यूरिंग द मंथ फरवरी मार्च. द सिलेक्शन प्रोसीजर फॉलो, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है यानी आपकी एडमिट कार्ड कैसे आती है. देखिए शॉर्टलिस्ट सेटियस विल बी बेस्ड ऑफ द हाइगर परसेंटेज ऑफ द पार्टिकुलर एग्जामिनेशन सेंटर, माने जितना वहाँ पर फॉर्म फिलअप होता है उसमें जितने बच्चों का सबसे ज़्यादा परसेंट होता है उसी परसेंटेज के हिसाब से बच्चे को लेते लेते 5000 या 6000 बच्चों को लेकर शॉर्टलिस्ट करके मेरिट बना देते हैं और एडमिट कार्ड छोड़ देते हैं. द क्वालिफिकेशन कट ऑफ ऑफ परसेंटेज पार्टिकुलर सेंटर में बी द इंक्रीज इफ मोर नंबर ऑफ एप्लीकेशन हाइगर परसेंटेज इन द रिसीव, यानी जितनी फॉर्म फिलअप होगी उतना ही ज़्यादा इसका कट ऑफ जाता है. द रिटन एग्जामिनेशन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप विज द जनरल कवर सब्जेक्ट मैथ फिजिक्स बेसिक केमिस्ट्री नॉलेज ऑफ द इंग्लिश 10th स्टैंडर्ड जनरली नॉलेज जनरल नॉलेज करेंट अफेयर क्वान्टिटी पॉपिट्यूट एंड द रीजनिंग. लेकिन ये इसके बाद पर मैं पूरा 100% खंडन कर देता हूँ कि ये जो आपको 10+2 लेवल बोल रहा है मैथ, और जो मैथ का जो होता है 10+2 लेवल का आज तक ले मैं नहीं देखा हूँ. एक दो क्वेश्चन में देखा हूँ कि वो इन्वर्स वाला आता है, बाकी कोई भी 10 स्टैंडर्ड का, सब 10th स्टैंडर्ड का आता है. डी नंबर पर आ जाते हैं, दोस विल बी क्वालिफाई रिटेन द एग्जामिनेशन विल बी अंडर फिजिकल फिटनेस टेस्ट, यानी उस दिन आपकी PFT भी हो जाएगी. द टेस्ट प्रोसीजर विल बी टेकन 2 डेज, फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट नॉट बी एलिजिबल अप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन. देखिए क्या बोल रहा है, 2 डेज फिजिकल चैलेंज कैंडिडेट्स आर नॉट एलिजिबल टू द अप्लाई ऑफ दिस एग्जामिनेशन, यानी जो फिजिकल्स जिनका कोई इंजरी है वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं. फिजिकल टेस्ट कैसा होता है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट जिसको PFT कहते हैं, PFT विल बी कंडक्ट फॉर द दोस हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट कैंडिडेट ऑन ड्यूरिंग द PFT सो दैट द आउन रिस्क, बोल रहा है कि अगर PFT करते समय कुछ हो गया तो आपकी रिस्क होगी. ऑल कैंडिडेट आर बी एडवाइज टू द इन प्रोसेसिंग ऑफ द स्पोर्ट रिंग, आपको शू लेके जाना है, टी शर्ट लेके जाना है, ट्राउजर लेके जाना है, एट द PFT कंसिस्ट ऑफ, माने आपको ये लेकर जाना है. 1.6 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट द 7 मिनट, ये सच्ची बात है कि अगर आप 7 मिनट में 1600 मीटर रनिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ले लिया जाता है. बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि नहीं सर टाइम बहुत कम देता है, ये आप लोग गलत बोलते हैं. मैंने कितनी दफ़ा 6:50 में कंप्लीट किया है फिर भी हमको वो सिलेक्शन कर लेते थे. उसके बाद जो लड़का ये पहला निकाल लिया 1.6 किलोमीटर की रनिंग 7 मिनट में कर लिया, वो ये कंप्लीट करे भी या ना करे भी उसको प्रोसेस हो जाता है, उसका PFT क्लियर करा देता है. ये 20 उठक बैठक आपको करवाता है, ये कोई लड़का उठक बैठक कर देगा. और बात रही पुशअप की, तो पुशअप इतनी आसानी से वो करवाता है, इतनी आसानी से कि कोई लड़का 20 पुशअप भी कर देगा. अगर कोई लड़का 7 पुशअप करके बोलता है कि सर हमसे नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट नहीं करता है, बोलता है कि चलो ठीक है जाओ 3 पुशअप और करके हमको दिखाओ रेस्ट लेकर. तो अब मेन यही है कंप्लीट आपकी रनिंग. उसके बाद नेक्स्ट पर हम ना आ जाते हैं, बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रिटन एग्जामिनेशन कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट द इंटरनल रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन प्रीलिमिनरी इन द रेशियो एज मे बी डिसाइड ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड. जब ये लड़के क्लियर कर लेते हैं तो उनके मार्क्स के हिसाब से उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है. द सेलेक्ट लिस्ट अपीयर ऑफ द कैंडिडेट क्वालिफाई द टेस्ट डिपेंड ऑन द अवेलेबल वैकेंसी. द जोन वाइज सेलेक्ट द कैंडिडेट विल बी डिस्प्ले द इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक एंड जुलाई 2010 में द डिस्क्रिप्शन फिट द इंक्लूडिंग मेडिकल एग्जामिनेशन डज नॉट डू इंक्लूड सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट द फाइनल मेडिकल INS चिल्का. मैंने एक बार और आपकी एग्जाम नहीं बल्कि मेडिकल टेस्ट INS चिल्का में भी होने वाली है. अब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है सिक्योरिटी रीजन के लिए, 3 कॉपी ऑफ द फ्री फ्रॉम द ऑनलाइन एडमिट कार्ड विद द लेटेस्ट फोटोग्राफ अपेक्सेट, यानी आपको 3 कॉपी एडमिट कार्ड की लेके जानी है. 2 कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी याद ये तो पहला ला दिया कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी लेके जाना है, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म की तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है. लेकिन आप निकाल लीजिएगा, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दे दूंगा, अगर कभी खुलेगा तो निकाल लीजिएगा. वैसे जिस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा उस दिन प्रिंट भी निकल जाएगा उसका, याद रखिएगा जिस दिन एडमिट कार्ड निकलेगा उस दिन प्रिंट का भी ऑप्शन आता है.
ओरिजिनल टेंट और टू मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ओरिजिनल 10+2 का सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेल बी कैलकुलेट द बेस्ट हाइक 50 इंक्लूडिंग फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैनेटरी सब्जेक्ट लेके जाना है। कैंडिडेट आर बी द प्रोसिंग हाई एजुकेशन सबमिट सेल्फेंस फोटोकॉपी ऑफ द वही इसीलिए हम आपको बोले थे, क्या बोले थे कि आप ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन मत भरिए। बहुत सारे लड़के बोलते हैं सर मैंने ग्रेजुएशन किया है, मैंने ग्रेजुएशन भी भर दिया। अरे आप भर के क्या कीजिएगा, आप भरे हैं तो वो भी सब लेके जाइए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में और टाइम लगेगा, कुछ मिस्टेक हुआ ग्रेजुएशन में तो फिर आपको रिटर्न कर देगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना मांग रहा है उतना ही आप दीजिए, ज़्यादा एक्स्ट्रा मत दीजिए। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में बाप रे, इसमें तो बहुत सारे लड़के मुझे कमेंट करते हैं, चलिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट विल बी अप्लीकेबल द रिस्पेक्टिव स्टेट इशूड बाय द तहसीलदार सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल से बनना चाहिए, ब्लॉक लेवल से नहीं। ब्लॉक में आप बनवाइएगा और ले जाकर उसे अपने डिस्ट्रिक्ट में जमा कीजिएगा, उसका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऊपर साइन कर देगा, बन जाएगा। ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट बैक ओरिजिनल कास्ट इनकम कास्ट सर्टिफिकेट इनकम सर्टिफिकेट फॉर द अब देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब बहुत सारे लड़के ये भी बोलते हैं कि सर क्या हम लोग ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जाएगा। एक लड़का जो है ईडब्ल्यूएस बार बार बोलता है, तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आता है, तो उसको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके नहीं जाना है बल्कि ये लेके जाना है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। अब देखिए नो अदर फॉर्मेट विल बी इंटर्ड अवेलेबल इन द इंडियन कोस्ट गार्ड वेबसाइट, बोल रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही होना चाहिए और कोई नहीं चाहिए। अब ये क्या बोल रहा है, द परमानेंट एड्रेस विल डोमेसाइल विल बी असम, ये अब भी छोड़िए, ये सब कुछ नहीं मानता हूँ मैं। एक आईडी कार्ड में आपको बता देता हूँ कि ये तो आपको लेकर जाना ही पड़ेगा, ये आईडी कार्ड आप देख लीजिएगा। प्रूफ आइडेंटिटी कार्ड में पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड वोटर कार्ड पैन कार्ड स्कूल कॉलेज आईडी प्रूफ फोटो ये आपको लेकर जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आप देखती है, अब हम लोग इसमें आ जाते हैं, 10 रिसेंट कलर पासपोर्ट फोटो साइज बैक ब्लू बैकग्राउंड, ये आपको 10 कॉपी लेके जानी ही पड़ेगी। द डेट ऑफ इशू ऑफ द ऑल डॉक्यूमेंट हैज़ टू बी 2 फरवरी, एनी डेट पीरियड टू बी टिन्ना फॉर क्लोज डेट ऑफ अप्लीकेशन इफ एनी डॉक्यूमेंट बाई द कैटेगरी सर्टिफिकेट ओबीसी एक्सप्लेन 29 अगस्त, द कैंडिडेट बी वोरिंग ओल्ड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट प्रिक्रिप्शन रिव्यू ऑफ द सर्टन बोथ द कॉपीज आर बी प्रोडक्ट ऑफ द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ फाइन स्टील का, ये मैं नहीं मानता, इस पर नहीं होता है कुछ। कैंडिडेट इज द प्रोसेस ऑफ द डॉक्यूमेंट विल नॉट बी परमिट टू अपेयर द एग्जामिनेशन ओरिजिनल एजुकेशन सर्टिफिकेट, यानी आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है। रिटर्न आफ्टर द वेरीफिकेशन के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। एनी वेरीफाइड द फाउल्ड अप्लीकेशन विल बी टाइम ऑफ वेरीफिकेशन, देन सेलेक्शन सेलेक्ट कैंडिडेट विल बी बेस्ड ऑन द ऑर्डर मेरिट टेस्ट डिपेंडिंग द परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट फिजिकल फिटनेस टेस्ट एंड द फिटनेस एंड मेडिकल टेस्ट पर आपको लिया जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड में बता देना चाहता हूँ कि आप क्या होना चाहिए, मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट ऑथराइज द मिलिट्री डॉक्टर्स आर बी मेडिकल स्टैंडर्ड फिजिकल करेंट रेगुलेशन अप्लीकेशन फॉर द इनरोल्ड पर्सन ऑन द एंट्री। हाइट आपकी होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए, और आपका जो चेस्ट होना चाहिए कितना भी रहे उससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको एक्सपेंड जब फुलाने के लिए कहे तो 5 फुलना चाहिए। वेट आपका जो रहना चाहिए प्लस माइनस 10 kg असेंट हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी वेट और अकॉर्डिंग टू दी हाइट, यानी 50 kg से ऊपर रहना चाहिए। हेयर आपको नॉर्मल कटवा कर जाना है। कैंडिडेट आर बी एडवाइज टू द ईयर क्लीन टू द वॉक्स एंड स्टेयर्ट रिमूव विल बी द टिट ऑफ द एग्जामिनेशन, ये आपको तो आप सब जानते ही हैं कि मुंह हो धो के जाना है। विजुअल स्टैंडर्ड्स में आप ये आ जाते हैं, यानी आँख की साइज क्या बताने वाला है, इसको ध्यान से आप देखिए लो, आँख की ये साइज क्या बोल रहा है, आपकी आँख होनी चाहिए 6x6 होने चाहिए और 6x9 भी चलेगा। कैंडिडेट यूजिंग द ग्लासेस आर नॉट एलिजिबल, ग्लास आपको नहीं लगाना है, चश्मा। टैटू, बहुत सारे लड़के बोलते हैं कि सर मेरा टैटू है मुझे ले लेगा, तो नहीं, टैटू वाले को छाड़ देगा। परमिट बॉडी टैटू आर बी नॉट परमिट टू बी पार्ट ऑफ बॉडी, हाउएवर द सर्टन कंसेप्ट परमिट टू कैंडिडेट बिलोंग द ट्रीटेबल्स एरिया, देखिए अब क्या बोल रहे हैं, सर्टेन कॉन्सिस आर द परमिट टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द ट्रेबल एरिया कम्युनिकेट आर द डिक्लेयर बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द कैंडिडेट परमिट बॉडी टैटू आर ओनली परमिट ऑन द इनर फेस ऑफ द फॉर्म्स दैट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द एल्बो टू द रेस्ट एंड द रेवर साइड ऑफ द पाम साइड ऑफ हैंड डिटेल्स इन द रिगार्डिंग द अवेलेबल ऑन द इंडियन पोस्ट का रिक्रूटमेंट वेबसाइट। इतना कहने का मतलब हुआ कि वैसा टैटू आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा जो पूरा दिखता हो,
अगर आप ऐसे जगह टैटू बनवाए हुए हैं जो नहीं दिखता हो तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन जो दिखा हुआ है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कैंडिडेट विद वी एबल मेडिकल स्टैंडर्ड ओनली अपेयर द सिलेक्शन नंबर बाय वेवर गिवेन द स्टैंडर्ड पोस्टर गोल्ड गार्ड मेडिकल स्टैंडर्ड अप्लीकेट डिक्लेयर द पैरामेंट मेडिकल इन्फॉर्म द आर्म फोर्स हॉस्पिटल प्रीवियस रिटायरमेंट सो द इंटरिम एडवाइजर्स। ये कुछ नहीं है। फाइनल एनरोलमेंट नंबर वो आपको आईने सिल्का में जाना पड़ेगा। ट्रेनिंग देखिए क्या होता है। ट्रेनिंग बेसिक कॉमर्स अगस्त 2020 यानी अगस्त में आपकी ट्रेनिंग शुरू होगी। चिल्का विल बी फॉलो ट्रेनिंग द परफॉर्म ट्रेनिंग द एलोट ट्रेड ब्रांच ट्रेड एलोकेट नेविगेबल अवेलेबल डिस्चार्ज द यूनिसेबल ड्यू टू अन सेफ्टी परफॉर्मेंस एट द टाइम ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। जनरल्स गाइडलाइंस में आपको क्या बता देता है। कैंडिडेट विदड्रॉ द डिसिप्लिन एग्रोड द फॉर द सर्विस ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग के टाइम आपको डिसिप्लिन करना है। कैंडिडेट शुड नॉट बी इन द अरेस्टेड कॉन्विक्ट द पर्सनल क्रिमिनल चार्ज, उन पर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट शुड नॉट बी अटेड विद द अप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन कोस्ट गार्ड विल बी नॉट टेक रिस्पॉन्सिबल फॉर द लूज ओरिजिनल सर्टिफिकेट। कह रहा है कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको लेकर जाइएगा, बुलाएगा तो हम नहीं जानते हैं। रिक्वेस्ट फॉर द चेंज एग्जामिनेशन सेंटर नॉट इंटायर, बोल रहा है कि एग्जामिनेशन सेंटर चेंज नहीं होगा। ऑल ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड मार्क्सिट प्रोडेट द टाइम द रिटर्न टेस्ट विल बी रिटर्न कैंडिडेट पोस्ट वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के बाद आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट सिलेक्शन पेटेंट ऑफ द पार्टिकुलर बैच वैलिड फॉर द बैच ओनली क्वालिफाइड कैंडिडेट, ये उसका इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन रिसीव बाई द पोस्ट विल नॉट अलाउ, बोल रहा है कि एप्लीकेशन जो आपका है पोस्ट अलाउ नहीं किया जाएगा। कॉल लेटर फॉर द फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन इनलोडमेंट इन द कोस्ट गार्ड विल बी फॉरवर्ड ओनली द इंटेलिटियल मेडिकल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट द सेलेक्टली सच कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू रीच द ट्रेनिंग एस्टिब्लिशन एट द ऑनर एक्सपेंस अनसक्सेसफुल कैंडिडेट विल नॉट बी इंटेलिटियल सेपरेटर। बोल रहा है कि जो कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको बुलाया जाएगा और जो कैंडिडेट रिजेक्ट कर दिए जाएंगे उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। नो इंक्वायरी विल बी इंटायर रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट इनरोलमेंट आफ्टर द पीरियड ऑफ द सिक्स मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ दिस एडवांटेज। ये उतना नहीं हमको समझ। कैंडिडेट फ्रॉम द ओपन स्कूलिंग इंस्टीट्यूट आर नॉट अवेलेबल, बोल रहा है कैंडिडेट फ्रॉम द ओपन स्कूल इंस्टीट्यूट फॉर द रिकग्नाइज ऑफ द AICTE आर नॉट एलिजिबल, माने जो लड़के ओपन स्कूल से किए हैं उनको नहीं लेगा। मोबाइल फ़ोन तो आपको लेकर जाना ही नहीं है, आप पर FIR हो जाएगा। ऑल कैंडिडेट विल बी फिक्स पीरियड इन ट्राइंग द एग्जामिनेशन वैल्यू। ये ट्रेवल देख लीजिए, ट्रेवल पर बहुत सारे लड़के पूछते हैं। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड का फॉर्म भरे हैं तो जो लड़के STSC से बिलोंग करते हैं उनको पैसा भी मिलता है। STSC कैंडिडेट हु आर द नॉट एम्प्लॉयड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी प्रीमार्ट ऑर्डिनरी सेकेंड क्लास फॉर द ट्रेन, यानी आपको रिजर्वेशन मिलेगा। बस ट्रीटमेंट चार्ज, माने जो सेकेंड जो STSC से हैं उनको सेकेंड क्लास यानी रिजर्वेशन का टिकट प्रोवाइड करेगी। अब यही था बस इंडियन कोस्ट गार्ड का खत्म। तो दोस्तों जितना वीडियो था मैंने प्रॉपर बता दिया। अगर आपको और भी इंडियन कोस्ट गार्ड या मर्चेंट नेवी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आज संडे, और संडे के दिन मैं क्या करूँगा तो लाइव सेशन करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।